आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस के बारे में। तो उसे जानने से पहले हमें इद्दत पीरियड जानना ज़रूरी है। तो ये इद्दत पीरियड होता क्या है? इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जो मुस्लिम वुमेन को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद और अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने के बाद ऑब्जर्व करना पड़ता है। तभी इस इद्दत पीरियड के बाद वो लड़की, वो मुस्लिम वुमेन अपनी सेकेंड मैरिज कर सकती है। तो ये इद्दत पीरियड क्यों है? ये इसलिए है कि अगर वो मुस्लिम वुमेन अपने हस्बैंड की डेथ के बाद या उसे डाइवोर्स देने के बाद उस हस्बैंड से प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे की पैटर्निटी को एस्टैब्लिश करने के लिए उस लड़की को ये इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। हस्बैंड की डेथ के बाद ये इद्दत पीरियड होता है 4 महीने 10 दिन का, और अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो ये इद्दत पीरियड कंटिन्यू होता है उस बच्चे की डिलीवरी तक या उसके मिसकैरेज होने तक। डाइवोर्स में ये इद्दत पीरियड होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, और अगर उस लड़की की मेनोपॉज की स्टेट है यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुके हैं, तो 3 लूनर मंथ्स तक। और इन 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 लूनर मंथ्स के बीच में अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे ये इद्दत पीरियड कंटिन्यू करना पड़ता है अपने बच्चे की डिलीवरी तक या तो फिर उसके मिसकैरेज होने तक। और अब इस इद्दत पीरियड के बाद मुस्लिम वुमेन दोबारा रीमैरिज कर सकती है। तब हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो मुस्लिम लॉ में ये रूल है कि मेंटेनेंस जैसा कुछ मुस्लिम वुमेन को सिर्फ 2 ही बार मिलता है, फर्स्ट मेहर के दौरान और सेकंड इद्दत पीरियड के दौरान। इद्दत पीरियड में अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उस लड़की के ससुराल वाले उस लड़की को मेंटेनेंस देते हैं, और अगर उस लड़की का डाइवोर्स हुआ है तो उसका हस्बैंड उसे इद्दत पीरियड के दौरान मेंटेनेंस देता है। तो इद्दत पीरियड के दौरान का मेंटेनेंस ये हो चुका। और सेकंड मेहर, मेहर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है जो कि शादी के दौरान हस्बैंड देते हैं अपनी वाइफ को। ये मेहर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और हस्बैंड अपनी वाइफ को ये मेहर अपनी शादी के दौरान भी दे सकते हैं और शादी के बाद इसे देने का वादा भी कर सकता है। तो मुस्लिम लॉ में ससुराल वालों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से मुस्लिम वुमेन को सिर्फ इन्हीं 2 सिचुएशन में मेंटेनेंस मिलता है। और मुस्लिम लॉ में ये लोग उस लड़की के इद्दत पीरियड के बाद और उसके लाइफ टाइम के दौरान उसे मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होते। अब हम जानेंगे शाह बानो के केस के बारे में। इस केस में शाह बानो ने मेंटेनेंस की मांग की थी अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जिसके बाद हमारी पार्लियामेंट को नया लेजिस्लेशन लाना पड़ा, नया एक्ट लाना पड़ा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो कि ये बताता है कि उस वुमेन को उसकी इद्दत पीरियड के बाद उसकी लाइफ टाइम के दौरान मेंटेनेंस देगा कौन। तो इसका सेक्शन 4 ये बात करता है कि मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है कि उस डाइवोर्स्ड वुमेन ने दोबारा शादी नहीं की है और वो अपने आप को इद्दत पीरियड के बाद मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो मैजिस्ट्रेट उसके रिलेटिव्स को ऑर्डर देता है कि वो उसे रीजनेबल और फेयर मेंटेनेंस दें कि वो अपनी ज़िंदगी काट सके। और ये रिलेटिव्स वो रिलेटिव्स होते हैं जो कि इस लड़की के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले हैं। और मैजिस्ट्रेट इन 4 चीज़ों को देखता है कोई भी ऑर्डर बनाने के पहले। पहला, उस लड़की की नीड्स क्या है। दूसरा, अपनी मैरिज के दौरान उस लड़की ने क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिया हुआ है। तीसरा, कि वो रिलेटिव्स कितना कमा रहे हैं। और चौथा, कि वो रिलेटिव्स उस लड़की के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किन प्रपोर्शंस में इनहेरिट करने वाले हैं, और फिर वो रिलेटिव्स उन प्रपोर्शन में ही उस लड़की को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होंगे। लेकिन 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 इनमें 2 कंडीशंस भी हैं। अगर उस डाइवोर्स्ड वुमेन के बच्चे हैं तो मैजिस्ट्रेट उन बच्चों को ऑर्डर देंगे अपनी माँ को मेंटेनेंस देने के लिए। अगर वो बच्चे भी कैपेबल नहीं हैं तो मैजिस्ट्रेट उस लड़की के पेरेंट्स को ऑर्डर देंगे अपनी बच्ची को मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन अगर पेरेंट्स भी कैपेबल नहीं हैं तो मैजिस्ट्रेट दूसरे रिलेटिव्स को ऑर्डर देंगे उस डाइवोर्स्ड वुमेन को मेंटेनेंस देने के लिए, और उसका प्रपोर्शन मैजिस्ट्रेट खुद डिसाइड करेंगे। और अगर कोई भी नहीं है उस लड़की को मेंटेनेंस देने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट स्टेट वक्फ बोर्ड को ऑर्डर देंगे उस लड़की को मेंटेनेंस देने के लिए जहाँ पर वो लड़की रहती है। और ये स्टेट वक्फ बोर्ड स्टैब्लिश हुई है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। आई होप इसके बाद आपको मुस्लिम वुमेन का मेंटेनेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप उसे कमेंट करना भी ना भूलें।